नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी, आप देख रहे हैं देश का वर्ता एफटी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं श्रावस्ती की खबर। आजादी का अमृत महोत्सव के समापन कार्यक्रम में जिले के विभिन्न स्कूलों की छात्र छात्राएं मौजूद रहे और वही जनपद के अलग अलग क्षेत्रों से आए लोग समापन कार्यक्रम में भारी संख्या में पहुंचे। मुख्य अतिथि ने कहा कि हमारे देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। हमारे देश की आजादी के लिए अनेक देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिनमें से कुछ ऐसे देशभक्त भी थे जिनको कोई नहीं जानता। उनके बलिदान से देश ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया था। कार्यक्रम का समापन भारत माता की आरती से किया गया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष दर्शन मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष महेश मिश्रा, ओम विधायक राम फेरन पांडे, रणवीर सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सुहास सत्या, आरएसएस के कार्यकर्ता सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज अमृत महोत्सव का समापन था। एक महीने से जो यात्राएं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, गांव, घर, गली में सब पूरा जा करके और 75वां अमृत महोत्सव ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में पूरे देश में मनाया गया है। इसमें सभी लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम राष्ट्रीय स्वयं संघ ने किया है और आज लगा है ये देख करके कि वाकई में आज़ादी हमको अब मिली है। हम जो 75वां अमृत महोत्सव मनाते हैं, इसका पूरा ये साफ परिलक्षित होता है कि जो हमारे पूज्य हेडगेवार जी ने और गुरु जी ने जो क्रांतियाँ चलाई थी और देश को आज़ाद कराया था, आज हम आज़ाद भारत में 75वां महोत्सव मना रहे हैं और अमृत के रूप में इस अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। तमाम तरीके के लोग यहाँ आए हैं। हर तरीके से अभी जो उद्बोधन हुआ उससे हमको बहुत ही प्रेरणा मिलती है। अब जो कि किसी संघ के एक लेखक ने लिखा है कि कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है, भाई वही सूरमा इस युग में दुनिया में पूजा जाता है। मैं पूज्य गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और उन्होंने जो देश को एकता और अखंडता की तरफ ले जा करके और आज जो अमृत महोत्सव का कार्यक्रम किया, बहुत बहुत बधाई। मैं अपने संघ परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इस तरीके के हमारे जिला के प्रचारक, विभाग के प्रचारक, प्रांत के प्रचारक जिस तरीके से अपनी पूरी मेहनत करके और देश को अखंडता और एकता के ले जाने की तरफ उन्होंने अग्रसर होकर और जो काम किया है, आज ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।